कुछ लोगों की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि हंसते खेलते इंसान को जिंदा लाश बना देते हैं। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, पर समय सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है, पर समय किसी के पास नहीं है। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। जहर दे दो सीधा सीधा, लेकिन किसी को झूठी बात, भरोसा और कसम मत देना। लोग कहते हैं रोने से कुछ नहीं मिलता है, पर मेरा मानना है कि रोने से बहुत सुकून मिलता है। कदर उसे कहते हैं जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा ही कहते हैं। मेरे किरदार में यही तो खराबी है, ना बनावट है और ना अदाकारी है। सबक जिंदगी ने सिखाया है मुझे, हर अपने ने रुलाया है मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता है, ये सबक भी अपने ने ही मुझे सिखाया है। तमाशा बन गई है जिंदगी, कुछ कहें तो भी बुरे और ना कहें तो भी बुरे। छोड़ो ना यार क्या रखा है, सुनने और सुनाने में किसी ने कसर ही ना छोड़ी मेरा दिल दुखाने में। बेहतर होता है उन रिश्तों का टूट जाना जिनमें आप ही टूट रहे हो। बस इतना ही फर्क है तेरी और मेरी मोहब्बत में, मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी और तूने मुझको छोड़कर सबको। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। नहीं रही शिकायतें अब मुझे तेरी नाराजगी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले आपको ढूंढ ही लेंगे। इस दुनिया में इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ है और तीसरा वो जो हम जानते ही नहीं हैं। लोग बोलते जा रहे हैं कि पहला निस्वार्थ प्रेम और सच्चा प्रेम सिर्फ अपने माँ बाप से ही मिलता है। माता पिता का बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता है जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर भगवान का घर एक मंदिर है जहाँ रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी जहाँ भी दिखे, वहाँ संबंधों को जोड़ने का प्रयत्न कदाचित न करें। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना जो आपके साथ तो रहते हैं मगर आपका भला नहीं चाहते हैं और कुछ देखना नहीं चाहते हैं। सबसे अजीब तो यह है कि आपको यह सब मालूम होते हुए भी आपके साथ रहते हैं। गलत आरोपों को लेकर भी कभी चिंतित ना हो, याद रखिए समय का ग्रहण चांद और सूरज भी झेलते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि आपको कभी महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग हद ही भूल जाते हैं। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। कुछ लोग मेरी दुनिया में खुशबू की तरह होते हैं, रोज महसूस तो होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना मौका देते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते हैं, डर तो मीठा बोलने वाले लोगों से लगता है जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल भी जाते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो या वस्तु हो या रिश्ता या जिंदगी हो। फिक्र उसकी मत करो जो तुम्हें इग्नोर करता है, फिक्र तो उसकी करो जो तुम्हारे लिए सभी को इग्नोर करता है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि रिश्ते अब इंसान से नहीं पैसे से बनते हैं। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, तब खुद से एक बात बोलना, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। उम्र नहीं थी मेरी इश्क करने की, बस एक चेहरे को देखा और गुनाह कर बैठे। चलो जिंदगी की एक नई शुरुआत शुरू करते हैं, जो मेरे बिना खुश हैं उन्हें आजाद करते हैं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख मत बताना। बना लो उसे अपना जो तुम्हें दिल से चाहता है, खुदा की कसम ये चाहने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं।
परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें ही उठाने हैं, लोगों को नहीं। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान संतुष्ट नहीं होता है।